पंजाब में पहला और सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक बस डिपो तामीर करने का फैसला किया गया है। वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए ग्रीन डिपो बनाया जा रहा है। इस बारे में मजीद तफसीलात हमें राव दिलशाद हुसैन बताएंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब में पंजाब की तारीख का पहला और सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक बस डिपो तामीर करने का फैसला किया गया है। पंजाब में पहला स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक बस डिपो ग्रीन टाउन लाहौर में बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक बस डिपो का लेआउट भी तैयार कर लिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए ग्रीन डिपो बनाया गया है। बस डिपो में ग्रीन एनर्जी को तरजीह देते हुए मुकम्मल तौर पर सोलराइजेशन की जाएगी। बस डिपो में सोलराइजेशन से 1 मेगावाट तक बिजली भी पैदा की जा सकेगी। ग्रीन डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद तरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा, जबकि ग्रीन बस डिपो 27 कनाल पर मुश्तमिल होगा। इसमें बेक वक्त 64 बसें खड़ी और चार्ज की जा सकेंगी। आपकी बताएं कि इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि डिपो में बसों के लिए वॉशिंग और सर्विस के लिए भी जगह वक्त की गई है। पहले मरहला में लाहौर में जल्द 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मनसूबा स्मोक के तदारुक में मुआवन साबित होगा, ये कहना था सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का। जी ठीक है, हमारे साथ राव दिलशाद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।